आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको इंडियन माइनिंग एग्जामिनेशन की अपडेट्स सबसे तेज मिलती रहे। हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग टेक्निकल। आज हम लोग कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन नंबर 26 क्वालिफिकेशन ऑफ इंस्पेक्टर डिस्कस करने वाले हैं। फॉर आवर इंग्लिश व्यूअर्स प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो देर ना करते हुए चलिए उद्घाटन करते हैं आज की वीडियो का। तो अकॉर्डिंग टू दिस रेगुलेशन, चीफ इंस्पेक्टर अपॉइंट होने के लिए कम से कम उसके पास डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग की सर्टिफिकेट होनी चाहिए एंड फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। साथ ही किसी पर्सन को इंस्पेक्टर अपॉइंट होने के लिए कम से कम डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग की सर्टिफिकेट होनी चाहिए प्लस फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी पर्सन के पास डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सर्टिफिकेट है तो उसे इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक उसी तरह अगर किसी पर्सन के पास डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सर्टिफिकेट है तो उसे इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मैकेनिकल अपॉइंट किया जा सकता है। और ठीक इसी तरह अगर किसी पर्सन के पास MBBS की डिग्री है तो उसे इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। नाउ फॉर आवर इंग्लिश व्यूअर्स, सो रेगुलेशन नंबर 26 विच इज क्वालिफिकेशंस ऑफ इंस्पेक्टर सेज दैट नो पर्सन शॉल बी अपॉइंटेड एज अ चीफ इंस्पेक्टर unless he has a degree in mining engineering certificate plus first class manager certificate. Now the second point says that no person shall be appointed as an inspector unless he holds a degree in mining engineering and a first class manager certificate. But a person holding degree in electrical engineering can be appointed as an inspector of mines electrical. Similarly, a person holding degree in mechanical engineering can be appointed as a inspector of mines mechanical. In the same way, a person holding degree in MBBS can be appointed as a inspector of mines medical. So this is your complete regulation number 26. I hope you all have enjoyed this video. If does, then don't forget to give this video a like, share with your friends and share the power of mining engineering. And if you have any thoughts or doubts, then please make us know by commenting in the comment section of this video. And lastly, if you haven't subscribed to our channel, then please subscribe our channel. And with that said, it's time to say goodbye. Till then, as always, Jai Hind, Jai Bharat.